अपमान की रोटी हमें नहीं खानी है। वो जो बोलते हैं कि हराम की कमाई खा रही हो, हराम 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 का कमाई है, वो हमें नहीं खाना है। कौन बोलते हैं? डीपीएम सर, एमडी रेहान अशरफ। बेहूदगी बड़ी शब्द उनकी होती है, इस तरह की बेहूदगी तुम लोग मत करो। तुम लोग हनीमून मनाने आए हो, तुम लोग हराम की कमाई खाते हो, तुम लोग मेन है कि उन लोगों को, उनको ऐसा लगता है कि हम लोग काम नहीं करते। अगर काम नहीं करते तो डाटा कैसे कंप्लीट होता है? डीपीएम सर है, वो हम लोग के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करते हैं। जब भी बात करते हैं तो FIR करने का धमकी देते हैं, टर्मिनेट करने का धमकी देते हैं। हम लोग अपना डेटा तो पूरा करते ही हैं, लेकिन डेटा पूरा करने के लिए हम लोग पर प्रेशर डाला जाता है। हमारे सेंटर पर रहते हुए, हमारे सेंटर पर अगर विजिट होता है तो हमारा सैलरी कट जाता है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में आज CS कार्यालय के पास स्वास्थ्य कर्मी जो है वो आज आई हुई है। और स्वास्थ्य कर्मी बता दें कि दर्जनों की संख्या में महिला पुरुष स्वास्थ्य कर्मी जो है वो सभी लोग आए हैं। क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग है कि हमें सम्मान के साथ हम ड्यूटी करेंगे। अपमान की रोटी हमें नहीं खानी है। वो जो बोलते हैं कि हराम की कमाई खा रही हो, हराम 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 का कमाई है, वो हमें नहीं खाना है। कौन बोलते हैं? डीपीएम सर, एमडी रेहान अशरफ। क्या है बोलते, क्या कारण? कारण है कि हम लोग हड़ताल पर गए थे आज डेढ़ महीना पहले। डेढ़ महीने से हम लोग हड़ताल पे हैं, हड़ताल पे हम लोग वापस आए। वो चाहते हैं कि 2-4 दिन में हम लोग 2 महीने का डाटा जो हम लोग भरे वो फिलअप कर दे। ऐसे कैसे चलेगा? कैसे कोई हम लोग क्या है, फेक डाटा चढ़ाएं? हम लोग अभी जुमे 4 दिन ना वहाँ पे स्वीपर है, खुद झाड़ू लगाते हैं, खुद पोछा लगाते हैं। अभी वहाँ की जो व्यवस्था है 1.5 महीने से अस्त व्यस्त पड़ी हुई है, तो हम लोग अभी वहाँ पे व्यवस्थित होने में ही समय लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि गांव इलाका है, पानी भरा हुआ है, पूरे उस पे डॉक्यूमेंट्स पे पानी उनी पड़ा हुआ है, काफी गंदगी है, तो वो साफ कराने में लगे। इनको अपने डाटा की पड़ी है, हम क्या करें? कैसे बोलते हैं हम? बहुत ही डिसरेस्पेक्ट करते हैं हमारे मोस्ट ऑफ CHOs को। बेहूदगी बड़ी शब्द उनकी होती है, इस तरह की बेहूदगी तुम लोग मत करो। तुम लोग हनीमून मनाने आए हो, तुम लोग हराम की कमाई खाते हो, तुम लोग मेन है कि उन लोगों को, उनको ऐसा लगता है कि हम लोग काम नहीं करते। अगर काम नहीं करते तो डाटा कैसे कंप्लीट होता है? और अगर 7 दिन में आप 2 महीने की मांगोगे तो नहीं हो पाएगा। और इस पे आप इस तरह की शब्द बोलोगे, FIR कर दूंगा, FIR अब कैसे कर देंगे हम पे? हम 2 महीने का डाटा फ्रॉड हम चढ़ा दें 1 वीक में, कैसे? ये तो फ्रॉड होगा, फिर आप पे केस हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? डीपीएम सर ये नहीं समझते हैं कि जो वर्ड वो बोल रहे हैं हम लोगों के लिए, अगर हम लोग ये शब्द उनके लिए बोले तो उनको कैसा लगेगा? वो तो एक डीपीएम हमारे 150 CHO को बोल रहे हैं, हम 150 CHO जब उनके लिए एक एक वर्ड ये बोले कि हम FIR कर देंगे तो वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? वो ड्रेस को लेकर भी कुछ बोलते रहते हैं क्या? बहुत, ये तो बहुत चीप वर्ड है, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बट इस प्रोफेशन में आके उनको तो बिल्कुल ये चीज नहीं बोलना चाहिए। लाल सलवार वाली, पीली सलवार वाली, हरी दुपट्टा वाली, तुम खड़ी हो जाओ, तुम ये बात बताओ। और मोस्ट जैसे हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें हम जहाँ पे होते हैं वहाँ बहुत भीड़ होती है, तो हम वीडियो ऑफ करके एक पेशेंट को देखते हैं। वो बोलते हैं मोस्ट ऑफ अगर फीमेल हो तो वीडियो ऑन करो, तुम्हें देखना है। भाई हम काम कर रहे हैं, हम तो हैं, फिर अब क्या ऐसे वर्ड, ये बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। तुम्हें देखना है, तुम वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन क्यों नहीं करते हो? ए लाल सलवार वाली, पीली सलवार, मतलब इस तरह की जो बातें होती है बहुत चीप लगता है उनका। इतने बड़े पद पे जाके सर को ऐसा बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है। और वो जो हमेशा FIR और टर्मिनेट की, मोस्ट ऑफ ये उनकी लैंग्वेज हो गई है, हर बात के पीछे FIR कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा, समझते क्या हो, नेता बनते हो? अरे सर हम नेता नहीं बनते हैं, हम तो उनके अंडर में हैं, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझ रहे, वो अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं। आज कहाँ है? हम आज सिविल सर्जन सर के पास आए हैं। क्या क्या मांग क्या है? बस कि हम पे जो आरोप, हम पे जो ये हो रहा है उसको सर, उस चीज को हमारे लेटर को एक्सेप्ट करे और उस पे हमारी मांगे जो है उसको पूरी कर दे। देखिए तो जिस प्रकार से लगातार जो है इन लोगों के साथ जो बदसलूकी से बात की जा रही है, उन सभी मांगों को लेकर आज CS कार्यालय के पास महिला स्वास्थ्य कर्मी जो है वो सभी आज आई हुई है और मांग कर रही है कि हम लोग की जो समस्या है उसको दूर किया जाए। अगर समस्या दूर नहीं करेंगे तो आगे आप लोग क्या करेंगे? महिला आयोग में भी जाएंगे हम, पहले तो हम DPM सर के पास। हर बात पे 10% इसका सैलरी काटो, इसका सैलरी 5% काटो, क्या? हाँ, और कटता भी है हमारी।
तो मतलब काम वगैरह नहीं करते इसलिए वो बोलते रहते क्या है? नहीं सबका वो मन बढ़ू हो गए हैं, उनका मन बढ़ गया है क्योंकि सीएचओ गधे की तरह सुनता है, लेकिन अब नहीं सुनेगा। डेढ़ महीने से सीएचओ हड़ताल पर थी, किस एनएम पर आज तक किस एसडब्ल्यूसी पर छापा गया है बताइए? किसी एनएम से ये नहीं पूछा गया कि तुम सेंटर पर हो कि नहीं हो। एनएम सीएचओ के ज्वाइन करते के साथ 2 महीने का डाटा भरो, ये करो वो करो वो करो, सेंटर विजिट होने लगा। जब अब तो जाहिर सी बात है कि हमने इस चीज को माना है कि हम 9 to 5 FRS लगाएंगे, तो बेइज्जत करने का कहां से सवाल उठता है? हमारे जो डीपीएम सर है वो हम लोग के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करते हैं, जब भी बात करते हैं तो FIR करने का धमकी देते हैं, टर्मिनेट करने का धमकी देते हैं। हम लोग अपना डेटा तो पूरा करते ही हैं, लेकिन डेटा पूरा करने के लिए हम लोग पर प्रेशर डाला जाता है। हमारे सेंटर पर रहते हुए, हमारे सेंटर पर अगर विजिट होता है तो हमारा सैलरी कट जाता है प्रेजेंट रहते हुए भी, लेकिन हमारी समस्याओं को वो नहीं सुनते हैं कि हमारे सेंटर पर पीने का पानी नहीं है, हमारे सेंटर पर टॉयलेट नहीं है, हमारे सेंटर पर बैठने का भी व्यवस्था नहीं है, वो सब नहीं देखते हैं। एएनएम का काम भी सीएचओ से करवाते हैं वो। कहाँ कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? 9 to 5 ना वहाँ पे टॉयलेट है भी तो एकदम उसमें जंगल से भरा हुआ है, ठीक है। 9 to 5 हम लोगों ने अपने आप पर मतलब कितना वो झेल के 9 to 5 हम लोग वहाँ पे अब ड्यूटी करने के लिए तैयार हुए हैं। 9 to 5 हम लोग अपना यूरिन रोक के वहाँ पे ड्यूटी करते हैं विदाउट लाइट के। लाइट नहीं है सेंटर पर, सेंटर पर पानी की व्यवस्था ढंग की नहीं है, शौचालय नहीं है। उसके बावजूद हम लोग अगर अब तैयार हुए हैं तो थोड़ा सा हम्बल तो उनको भी होना बनता है ना, थोड़ा सा हम्बल। आप तो एसी में बैठ के जो आप भाषण देते हो कि सीएचओ काम नहीं करती है, हराम की खाती है, तब आओ ना आधे घंटे हमारे साथ बैठो ना, आधे घंटे में सारा पसीना छूट जाएगा। कहाँ कहाँ से आज आपके वाले लोग आए हुए हैं आज? मैं मुरौल ब्लॉक से सीएचओ रत्न कुमारी, ठीक है। हम लोग सारे मुजफ्फरपुर के जितने ब्लॉक हैं, हम सारे ब्लॉक से सारे सीएचओ यहाँ पे आए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग को तुगलक फरमान दे दिया गया कि FRS लगाना है, जिसके विरोध में हम लोग सब गए हड़ताल पे भी गए। हड़ताल पे जाने के बाद काफी टाइम हम लोग हड़ताल पे रहे, गवर्नमेंट ने कुछ बात मानी कुछ बात नहीं मानी, हम लोग फिलहाल उसी पे कंटिन्यू है। दूसरा नंबर कि हम लोगों को देखिए पहले से ही टारगेट सेट है हम लोगों का कि काम क्या करना है। जब ऑलरेडी आप लोगों ने टारगेट सेट कर रखा है कितना काम करना है, उसके बाद जब मंथ क्लोज हो तो आप डाटा निकाल लो हमारा। डाटा निकालने के बाद उसमें अगर आपको लगता है कि हमने डाटा फुलफिल नहीं किया है तो फिर उसके बाद आप सौ से हमसे रिप्लाई मांगो, हम जवाब देंगे आपको। बट आप भी से करके ऐसे हमें टॉर्चर नहीं कर सकते, जस्ट लाइक टॉर्चर करना कि आपने डाटा फुलफिल नहीं किया, ठीक है। तो ये तो एक ऑफिशियल वर्ड हो गया तो वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप भी से करके कहते हो कि आपने आंसर डी नहीं किया, आपने टेलीमेडिसिन नहीं किया, FIR कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, बेहूदगी। सारे सीएचओ बेहूद हो गया हो, बेहूदगी करते हो, जस्ट लाइक आप लोग हनीमून मनाने आए हो सर्टर पे, ये क्या तरीका है? गाली ही बोलेंगे ना इसको, और कौन सा वर्ड यूज करें? ये तो बहुत सभ्यता वाली वर्ड तो है नहीं। हमारे फैमिली में भी, हमारे हस्बैंड को, इवन हमारे फैमिली मेंबर को ये वर्ड यूज करने का राइट नहीं है। कोई फीमेल बर्दाश्त कर ही नहीं सकती है कि हम सीएचओ को ये बोला जाए कि बेहूदगी तुम लोग कर दे हो। हम बेहूदगी पर जिस दिन उतर जाए तुम लोग सब डालोगे अपने ऑफिस में, अरे हम लोग का क्या, हम लोग रिजाइन दे देंगे सीएचओ से और चले जाएंगे। और जिस दिन अपनी बेहूदगी दिखा दिए तो तुम मजा लेके कोई अपने ऑफिस से बैठे रह जाओगे? कोई नहीं बैठे रह जाओगे। हमसे कायदे से बात कर लो, हमने ज्वाइन किया है सीएचओ में, ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, काम की बातें करो। और बाद बाकी रहा टारगेट के लिए बाबा टॉर्चर नहीं करो। जरूरी नहीं हर कोई परफेक्ट ही होता है, हर टारगेट हम कंप्लीट कर ले, किसी मंथ में ऐसा भी तो होता है, हम फीमेल है, हमारी फैमिली है, बहुत सारी कैजुअलिटी हो जाती है। ऐसे कंडीशन में आपको क्या लग रहा है कि हम टारगेट फुलफिल कर लेंगे? इसके लिए अगर टॉर्चर किया जाता है तो ये बिल्कुल न्याय उचित बात नहीं है, ये तुगलक फरमान है जो कि कहीं से जायज नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए कि यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी है, महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ साथ पुरुष स्वास्थ्य कर्मी जो सैकड़ों की संख्या में, माफ कीजिएगा, दर्जनों की संख्या में आज मुजफ्फरपुर के विभिन्न प्रखंड से जो है ये सभी आए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं। जिस प्रकार से इन लोगों का आरोप है कि बदतमीजी करके बात किया जाता है, यानी कि किसी प्रकार से रिस्पेक्ट नहीं आ जाता है, इन सभी मांगों को लेकर सीएस कार्यालय के पास पहुंचे हुए कि हमारी मांग जो है वो पूरी हो और जांच कर कार्रवाई हो। बने फैसलों बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।